हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल नूतन ऑनलाइन स्टडी। आज अपने इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इक्विटी और इक्वालिटी। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यानी इक्विटी क्या है, इक्वालिटी क्या है, ये तो हमने जान चुका है, हमने डिफरेंस भी देख लिया है, बट बेसिक डिफरेंस आज हम लोग अपने इस वीडियो में पढ़ेंगे। फर्स्ट देखिए जो मीनिंग है, हमने पढ़ा है इक्विटी क्या है, इक्वालिटी क्या है। हम फॉर एग्जांपल देखते हैं, अगर एक क्लास में टीचर है, ठीक है, टीचर क्या करती है, 30 स्टूडेंट को पढ़ा रही, एजुकेशन दे रही है। ठीक है, 30 स्टूडेंट को एजुकेशन दे रही है, उसके लिए टीचर ने, सपोज़ हमने देखा कि टीचर ने क्या किया कि 30 बच्चों को 30 पेंसिल्स, 30 पेन और 30 बुक दे दिया। ठीक है, ये किस में आएगा, इक्वालिटी में। किस में आएगा, इक्वालिटी में, क्योंकि यहाँ पे सेमनेस पर ध्यान दिया गया है, यानी जो बुक एक स्टूडेंट को मिला है वही बुक बाकी के सभी रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को भी वही सेम बुक मिला है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर 30 जो स्टूडेंट्स हैं उसमें से कोई दो बच्चे हैं जो कि फिजिकल डिसेबल हैं, जैसे एक बच्चे को अगर कम सुनाई दे रहा है, दूसरे बच्चे को अगर आई साइट की प्रॉब्लम है, और कुछ बच्चे उसमें से ऐसे हैं जो स्लो लर्नर हैं 30 बच्चों में से ये सारे, तो अगर टीचर उनको उनके अकॉर्डिंग अगर मटेरियल प्रोवाइड करती है, जैसे कि जो फिजिकल डिसेबल है उनको उनकी फिजिकल डिसेबिलिटी के लिए, मतलब उनको अगर जो सामान प्रोवाइड कर रही है, और स्लो लर्नर को अलग से अगर क्लासेस दे रही है ताकि वो एजुकेशन में पीछे ना रह जाएं, इस तरीके से सब बच्चों को के नीड के अकॉर्डिंग, उनके उनके मतलब नीड के अकॉर्डिंग अगर उनको एजुकेशन दे रही है, तो ये किस में आएगा, ये आएगा इक्विटी में, क्योंकि इक्विटी में सभी जो पर्सन हैं उनके नीड के अकॉर्डिंग, उनके प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग ही उनको मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। तो हमने जान लिया मीनिंग क्या होता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं सेकंड। सेकंड है व्हाट इज इट, यानी इक्विटी है क्या, मींस यानी एक जरिया। ठीक है, एक जरिया, एक माध्यम। ठीक है, तो जरिया माध्यम कैसे होता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग लोगों के जो नीड्स हैं, लोगों के जो इच्छा है उस पे वर्क किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम कहते हैं कि लोगों की इंडिविजुअल की पर्सनल जो ओपिनियन है, पर्सनल जो उनके नीड है, उसके हिसाब से इक्वालिटी जो है, उसके हिसाब से उनमें समानता लाने की प्रयास किया जाता है। यहाँ पे एंड का मतलब है कि देखिए, जैसे क्लास में अगर 30 स्टूडेंट है, 30 स्टूडेंट को टीचर अगर एजुकेशन दे रही है, ठीक है, एजुकेशन दे रही है, तो यानी मतलब वो सभी बच्चों को एजुकेशन दे रही है। यहाँ पे केवल सेमनेस पे ध्यान दिया जाता है, यहाँ पे पर्सनल नीड्स और पर्सनल जो उनके थॉट प्रोसेस है वहाँ पर इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर फेयर यानी विदाउट किसी डिस्क्रिमिनेशन, सभी के जो इंडिविजुअल इंसान के, इंडिविजुअल के जो नीड्स हैं, जो उनके मतलब डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है फेयर होता है। ठीक है, और यहाँ पे इवन यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है सभी बच्चों के इवन, मतलब कि यहाँ पे सेमनेस पे ध्यान दिया जाता है, समानता पे ध्यान दिया जाता है, इंडिविजुअल की जो नीड्स हैं उसको इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है। रिकॉग्नाइजेस देखिए, अच्छा यहाँ पे देखिए रिकॉग्नाइजेस में यहाँ पे हम कि डिफरेंसेस अटेम्प्ट्स टू काउंटरेक्ट अनइक्वल इंडिविजुअल अपॉर्चुनिटीज, यानी इंडिविजुअल की जो नीड्स होती हैं, ठीक है, वहाँ पे उस पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, उनके डिफरेंसेस पर ध्यान दिया जाता है और उसको कोशिश किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग उनके हेल्प करने का अटेम्प्ट किया जाता है। यहाँ पे सेमनेस यानी कि यहाँ पे इंडिविजुअल की जो डिमांड्स है, जो उनके नीड्स है, उसको ध्यान नहीं दिया जाता, बल्कि सेमनेस पे ध्यान दिया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं एंश्योर्स में, पीपल हैव व्हाट दे नीड, मतलब यहाँ पे पीपल को वो चीज़ मिलेगी, वो चीज़ प्रोवाइड की जाएगी जिसकी उनको ज़रूरत है, और यहाँ पे केवल क्या है, सेम थिंग ही सबको प्रोवाइड कर देना, विदाउट ये देखे कि उनकी क्या बेसिक नीड्स है या तो उनकी क्या ज़रूरत है, वो नहीं देखा जाता, बल्कि यहाँ पे सेमनेस पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा वीडियो आज का। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है जेंडर इक्वालिटी की,
एजुकेशन में, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।